कानूनों का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। किसान सरकार पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते सरकार व किसानों की इस लड़ाई में दिक्कतें जनता को भी झेलनी पड़ रही हैं। आज 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके चलते किसान आज काफी संख्या में अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर इकट्ठे हुए। यहां शाहपुर के नजदीक किसानों ने दिल्ली अमृतसर व अमृतसर दिल्ली सड़क व रेल मार्ग ठप कर प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। किसान नेताओं ने जाम के दौरान परेशान हुए लोगों से माफी मांगी और कहा कि इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी सेवाओं छात्राओं को पूरी तरह छूट रहेगी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बंद के चलते पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं, लोगों को दिक्कत ना आए इसके लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं, लेकिन जो लोग इस बंद में फंस गए हैं उनके लिए पुलिस कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, इमरजेंसी सेवाओं को यह नहीं रोकेंगे, आगे जो आदेश होंगे उसे देखा जाएगा और कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए पूरे इंतजाम है। देखो जी, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 10 दिन पहले ये आह्वान हो चुका था, 26 तारीख को इस आंदोलन के 4 महीने पूरे हो रहे हैं और उस दिन सुबह 6 बजे लेकर शाम के 6 बजे तक चक्का जाम रहेगा, रेल का भी और रोड का भी। तो उसी उपलक्ष्य में ये चक्का जाम है। इस चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस को आने जाने की का हमने इंतजाम कर रखा है और किसी को स्कूल में कोई एग्ज़ाम देना है, कहीं टेस्ट देना है, उनके लिए भी हमने आने जाने की छूट दी हुई है। किसी के पास डॉक्टरी सबूत है कि डॉक्टर की कोई अपॉइंटमेंट है या ऑपरेशन है, उन गाड़ियों को भी हम यहाँ से फंसने नहीं दे रहे। यात्री फंसे उनके लिए क्या इंतजाम किए? उनके लिए खाने पीने का सारा इंतजाम है। इवन शौचालय तक का भी हमने जाम कर रखा है, भाई बच्चों के लिए दूध तक का इंतजाम कर रखा है, दोपहर को खाने का इंतजाम है, शाम को चाय पानी का इंतजाम है। तो हाँ, इसके लिए हमें अफसोस है, भाई उनको हमारी वजह से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में कहाँ कहाँ जाम है? अंबाला कड़ासन में और मुलाना में 3 जगह है। तो क्या बाजार भी बंद रहेंगे? बाजार भी बंद रहेंगे जी। तो ये जो आज का चक्का जाम है, ये उन यात्रियों से हमें क्षमा मांगते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये आंदोलन ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, जो लोग आप परेशान रहे हैं ये उनके लिए। नहीं, जैसा आपको पता है कि किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया, उसके संबंध में जीटी रोड और रेलवे ट्रैक इन्होंने दोनों जाम का आह्वान किया हुआ, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे और इन्होंने खुद भी इसके इंतजाम कर रहे हैं कि आर्मी की व्हीकल या एम्बुलेंस कोई ना फंसे और कोई एमरजेंसी सर्विस और भी होगी तो उसको भी ये जाने देंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है और पीसफुल इनका प्रदर्शन है, जैसे आगे आदेश होंगे देखे जाएंगे। इसके लिए हमारे पुलिस के पूरे पुख्ता प्रबंध है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।